ये है हमारे प्यारे नौजवान संत श्री आशाराम जी बापू। इनका ये दुर्लभ सत्संग ही इस बात का प्रमाण है कि प्रकृति के आगे बढ़ने के नियम को हमें कैसे और क्यों अपना लेना चाहिए, तथा आत्मरामी संतों की एक एक पल की भी सेवा कर लेने से हमें क्या क्या लाभ प्राप्त होते हैं। एक भारत देश है तो तालुका करने की क्या जरूरत है, और राज्य बनाने की क्या जरूरत है, और जुदा जुदा खाता बनाने की क्या जरूरत है, सब एक है तो। जय श्री कृष्ण। नहीं, जुदा जुदा खाता होंगे तब जुदा जुदा जवाबदारी संभालेंगे और उत्साह होगा, जुदे जुदे राज्य होंगे तब जुदा जुदा प्रोग्रेस होगा। ऐसे ही शायद उस सृष्टि में मूल में तत्व में तो एक है, लेकिन फिर भी जीवन की यात्रा करने के लिए भिन्नता उस प्रकृति के नियमों के अनुसार नहीं आई होगी क्या, विकास क्रम के नियम के अनुसार। अब आश्रम में तो सब गुरु बंधु है, सब साधक है, एक है, फिर भी सबकी अपने अपने ढंग की सेवा है, अपने अपने ढंग का विचार है। तो ये सृष्टि क्रम है, इसमें खिन्न होने की जरूरत नहीं, घबरा जाने की जरूरत नहीं, और अहंकार से भर जाने की जरूरत नहीं है। ये तो सृष्टि का क्रम है, उस सृष्टिकर्ता के क्रम को समझ। अगर सृष्टि की यात्रा करता है तो आदमी सृष्टिकर्ता के वास्तविक स्वरूप में विश्रांति पाता है, और अगर अपने अहम को पोषता है, स्वार्थ को पोषता है, तो फिर डंडे खाकर प्रकृति के उसको सीधी लाइन पर आना पड़ता है। प्रकृति का नियम है प्रोग्रेस प्रोग्रेस प्रोग्रेस, आगे बढ़ो 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 बढ़ो, नहीं तो मरो, नहीं तो डंडे खाओ। जो जाति जो व्यक्ति जो समाज आगे नहीं बढ़ता और विलास में गिर जाता है, उस जाति को उन व्यक्ति को उन समाज को कुछ न कुछ प्रकृति के ऐसे नियम झकझोर देते ताकि फिर वो स्फूर्ति में आ जाते। वो जमाना था कि सिंध में 1947 के पहले जमींदार लोग बहुत सुखी थे, बहुत विलास के साधन थे, परदेश में जाकर कमाकर आते थे, और वो जो आज पाकिस्तान है वो 47 के पहले तो भारत था। विलासिता बढ़ गई, आदमी ऐश आराम में ज्यादा मानने लगे, भौतिकता की गुलामी बढ़ गई, तो महाराज हो गया पार्टीशन, वैभव मकान धंधे रोजगार है, जर जोरू जमीन है, गहने कपड़े पपड़े सब उसमें जो यहां तक भरे थे वो सारा का सारा झटका लगा और इधर आ गए। ऐसे ही और मुल्कों में, अरब आदि में भी तुमने देखा होगा, जिन मुल्कों में अति विलासिता आती आ जाती है, अति भौतिकता आ जाती है, उन मुल्कों में कुछ न कुछ ज्वालामुखी फूटते हैं और आदमी फिर संयम के मार्ग को अपनाता है। हम लोगों के जीवन में अति विलासिता अति पराधीनता आ जाती है तो कुछ बीमारी आकर अथवा कुटुंब का कोई कलह आकर आदमी स्व आश्रित होने लगता है। इसी कुदरत का कोई ऐसा नियम है कि आदमी किसी एक परिस्थिति में कहीं रुक न जाए, अलग अलग प्रकृति अलग अलग परिस्थितियों से हमें गुजारती हुई ये महाकृपामय प्रकृति देवी महामाया हमें आखिर अपने परब्रह्म परमात्मा तक पहुंचाने में दिन रात संलग्न है। दो प्रकार की सत्ताएं होती है, एक होती है धर्म सत्ता और दूसरी होती है राज्य सत्ता। राज्य सत्ता हमारे धन माल जान की सुरक्षा करने के लिए हमसे टैक्स लेती है, और धर्म सत्ता हमारे संस्कारों की सुरक्षा करने के लिए हमसे दान लेती है। जय जय। तो हमारे फिजिकल शरीर की स्थूल शरीर की रक्षा, हमारे धन माल और सामाजिक जीवन की रक्षा करने की जवाबदारी राज्य सरकार की है, और हमारे आंतरिक आध्यात्मिक शरीर की रक्षा करने की जवाबदारी धर्म सत्ता की है। अभी राज्य सत्ता अपना कर्तव्य चूक जाए और धर्म सत्ता अपना कर्तव्य चूक जाए तो आदमी बाहर से और भीतर से खोखला होने लगता है। तो ये वार कर दी गई ताकि जैसे होता है ना खेत में चिबड़े की रक्षा करने के लिए वार करते हैं, अबे वार चिबड़ा गड़वा माडे तो पेलो खेडूत क्यों जाए। तो जो रक्षक है वे लोग अगर भक्षक होने लगे, ऐसे लोगों की जब बहुलता बढ़ जाती है तब वो अवतार आता है। जय राम जी की। अवतार कभी भी हो, लेकिन अवतार होने से साक्षात्कार नहीं होता, ये भी ध्यान रखना। जय राम जी की।
अवतार होने से सामाजिक व्यवस्थाएं होती है, सज्जनों का सत्वगुण बढ़ता है, आह्लाद होता है, जीवन जीने का ढंग मिलता है। लेकिन जीवन दाता को पहचानना है तो अवतार के तत्व को खोजने के लिए या तो उस अवतार की शरण पकड़ो या तो अवतार जिनकी शरण पकड़ने को कहता है उन फकीरों की शरण पकड़ो। उत्तिष्ट जाग्रत प्राप वरान बोध्यत उपदेशन्ति ते ज्ञानम ज्ञानिनः तत्वदर्शिना तत्विद्धि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया। विधि सहित जाकर परिपात होकर परिप्रश्न से उन महापुरुषों से आत्मज्ञान लेकर आप जीवन तत्व को पहचान लो। जैसे श्री कृष्ण ने ऋषियों के पैर धोने का काम किया था वसुदेव के यज्ञ में, तो कोई त्रिकाल ज्ञानी ने श्री कृष्ण को कहा कि कन्हैया ये तुम चरण पखालने का काम करते, तुम कौन हो मैं जानता हूं। तब श्री कृष्ण ने कहा कि 50 वर्ष की निष्कपट भक्ति से भी हृदय का अज्ञान दूर नहीं होता है, लेकिन तुम्हारे जैसे आत्मरामी संतों का एक मुहूर्त का सत्संग सुनने से कितना सारा अज्ञान दूर हो जाता है और कितना ज्ञान प्रकट होता है, उसलिए पग मने धोवा दो, मुझे चरण धोने दो। अब श्री कृष्ण को चरण धोने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन हमें दिखाते हैं कि पूजा पाठ और सामाजिक नियम से ऊपर उठना है तो आत्मरामी संतों के चरणों में जाकर अपने अहंकार को समर्पित करो ताकि जीवन का दिया कहीं जग जाए। सब इन आंखों से दिख जाए ऐसा नहीं होता है, इंद्रियगत ज्ञान बड़ा सीमित है, तुच्छ है, छोटा है। इंद्रियां तो दिखाती आकाश को कढ़ावे के जैसा, तंबू जैसा, लेकिन बुद्धि का उपयोग करना पड़ता कि कढ़ावे जैसा भी नहीं, तंबू जैसा भी नहीं, विशाल आकाश है। तो इंद्रियगत ज्ञान में जो आ जाता है उतना ही नहीं होता है, इससे बुद्धिगत ज्ञान का सामर्थ्य और बड़ा है, और बुद्धि के ज्ञान से भी आत्मा का ज्ञान तो अनंत अनंत गुना सामर्थ्य रखता है और अनंत अनंत गुना बड़ा है। तो महाराज आत्म शांति चाहिए तो वैराग्य और तत्व विचार से आत्म शांति मिलती है, और सामर्थ्य चाहिए तो योग उपासना, वैराग्य और एकांत में योग साधना करने से सामर्थ्य आता है। लेकिन जो अपने मैं को, अपने कर्ता को परब्रह्म परमात्मा में एकाकार कर देता है उसको शांति और सामर्थ्य स्वाभाविक आता है, लेकिन मुझे शांति है या मुझे सामर्थ्य है ऐसा फुरना भी उसे नहीं फुरता, वो ब्रह्मवेताओं को हमारा प्रणाम है। ये बहुत ऊंची स्थिति है, उस स्थिति में लगभग होलसेल में हम लोग आदिवासी हैं। भले कोई धार्मिक होगा, किसी के पास कोई सिद्धि होगी, कोई चमत्कार होगा, लेकिन ब्रह्मवेताओं की जो स्थिति है उनके आगे तो हम अच्छे अच्छे धार्मिक लोग भी आदिवासी की लाइन में आ जाते हैं, ऐसा ब्रह्म ज्ञान होता है। ब्रह्मा विष्णु महेश और लोकपाल जिस चैतन्य सत्ता से उत्पन्न होकर जिस चैतन्य सत्ता में राज्य करते हैं, उस चैतन्य सत्ता को मैं रूप में जिन्होंने अनुभव किया है उनको ब्रह्मवेता कहा जाता है। उस सनातन सत्य के बयान में वाणी रुक जाती है, ये राज समझ में तो आता है लेकिन समझाया नहीं जाता है। तैतरी उपनिषद ने कहा ये तो वाचो निवर्तन्ते अप्राप्यसा मनसा सह आनंदो इति ब्राह्मण न विभेति कदाचन। दो पागल बैठे थे, एक पागल ने दूसरे को कहा यारों मैं रोज सुबह देखता हूं कि लोग चारों तरफ से भाग दौड़ करते, चारों तरफ से लोग आते हैं और चारों दिशा भागते हैं, कितने पागल आदमी हैं, जाना हो तो एक रास्ते चल पड़े, सब लोग चारों रास्ते जाते हैं। दूसरे ने कहा यार सचमुच में तू पागल खाने में तू पागल है, अगर सब लोग एक तरफ चलने लग पड़े तो पृथ्वी दब नहीं जाएगी, टेढ़ी नहीं हो जाएगी, एक तरफ वजन आने से पृथ्वी झुक नहीं जाएगी, इसीलिए लोग समझ के चारों तरफ जाते हैं। जय श्री कृष्ण, उनका अपना गणित है, अपनी थियरी है, आपको उन पर दया आती है जयराम जी की। ऐसे ही ईश्वर के लिए आप लोग जो निर्णय करते हैं या अवतार प्रकट होने के लिए या हानि हो गई या धर्म अधर्म के विषय में, हम लोग जब छोटी मती से निर्णय करते हैं ना तो हम लोग भी उनके पड़ोसियों की लाइन में आ जाते हैं
जयराम।